नमस्कार दोस्तों, यूपी योद्धाओं से तमिल चलाई बाज के एलिमिनेटर नंबर 2 में यूपी योद्धा को जबरदस्त हार झेलनी पड़ी है। इंडिया मैच जबरदस्त रोमांचक से भरा रहा एंड वहीं पर गाइज जो तमिल चलाई बाज है वो क्वालिफाई कर चुकी है पहले सेमीफाइनल के लिए एंड वहीं पर वीवो प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा एलिमिनेट हो चुकी है एंड गाइज अब वो आगे के मैच नहीं खेलेंगे एंड वहीं पर तमिल चलाई बाज का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है जिसमें नरेंद्र कंडोला ने 13 रेड पॉइंट और वहीं पर 11 रेड पॉइंट अजिंक्य पवार ने लिए एंड यूपी योद्धा को रोमांचक मैच में एक करारी हार झेलने को मिली है। इस मैच की बात करें तो पहले ही सेकंड से तमिल चलाई बाज हावी थे यूपी योद्धा के ऊपर एंड वहीं पर गाइस मैच का हालात टाई तक चला गया। कुछ ही क्षण बचे थे मैच में एंड वहीं पर तमिल चलाई बाज 4 पॉइंट से लीड कर रही थी एंड वहीं पर प्रदीप नरवाल का जबरदस्त रेड जो 3 रेड पॉइंट का लिए थे एंड वहीं पर तमिल चलाई बाज को जो है ऑल आउट कर देते हैं देन ये लीड को टाई कर देते हैं एंड ये इस मैच को यूपी योद्धा जीत ही गई थी क्योंकि प्रदीप नरवाल को अब सीधा जाकर अंतिम समय में उन्हें क्रॉस ही करना था लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाए एंड जो तमिल चलाई बाज के डिफेंडर है वो टेकल कर लेते हैं एंड ये मैच टाई हो जाता हैं एंड कुछ गलती की वजह से यूपी योद्धा को हार मिली एंड वहीं पर नरेंद्र कंडोला को बोनस लेकर जाने दिया यूपी योद्धा ने, ये सबसे बड़ी गलती दिखाई दी एंड वहीं पर यूपी योद्धा को करारी हार देखने को मिला एंड वहीं पर प्रदीप नरवाल यदि एक रेड में क्रॉस करके आ जाते तो ये मैच यूपी योद्धा जीत जाती थी एंड 100% जीत ही गई थी लेकिन प्रदीप नरवाल का वो गलती बहुत ही बड़ा महंगा पड़ा यूपी योद्धा के ऊपर। पछताने से कुछ नहीं होने वाला है एंड यूपी योद्धा अब नेक्स्ट सीजन हमें देखने को मिलेंगे एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कबड्डी के अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे।